देखो कला विश्व हमारे लिए नया था जी, और कला विश्व में जाने के बाद हमें एक रियलिटी शो करने की बात है जी। तो हम रियल जो आवाज है, जो रियल रियलिटी की जो बातें है, वो पूरे जोर खुले मन से, ओपन माइंड से रखने की लोगों के लिए कोशिश किए। और मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक है, सब जानती है, तो इसीलिए पब्लिक ने आप जरिए, आप माध्यमों के जरिए और सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, फोन मैसेज के जरिए पता चला कि पब्लिक ने बहुत ही अच्छी जगह हमारे लिए बनाई है। और मैं समझता हूँ कि जीवन में सबसे ज़्यादा अगर से कुछ होता है तो किसी इंसान को अच्छा बोलना होता है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार। जेल की बात कहूँ तो देखो, मैं गुड़िया गुड़ी का खेल खेलने वाला आदमी नहीं हूँ, और बर्तन बर्तन बजा के आवाज निकालने वाला भी आदमी नहीं हूँ। तो जो स्पष्टता से जो रखनी चाहिए, कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए, वो मैंने अपनी कथनी रखी, और मुझे लगता है कि बिग बॉस ने भी बहुत होल हार्टेडली उस चीज को लिया। बॉलीवुड नाम बड़ा करने में बड़ी मेहनत उठाई है, राज कपूर जी से लेके तो सारे बड़े बड़े कलाकार। थोड़ा डिस्टेंस रखो अंडरवर्ल्ड से, अंडरवर्ल्ड के लोगों के हाथ में बॉलीवुड की बागडोर मत दो। देखो पहले भी बहुत हमने जो हाथ से देखे कलाकारों की जो हालत हुई थी वो भी हमने देखी। हम जैसे, हम तो अच्छे काम के लिए जेलों में गए थे, कलाकारों को कुछ थोड़ी बहुत चीजों के लिए भी जेल जाना पड़ा, लंबी वारी करना पड़ी जेल की। तो आज का भी दौर वही कह रहा है, दाऊद इब्राहिम हो या कोई हो, कोई आतंकी हो या कोई भी हो, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस वो क्या गुर्गों की बात करता है तो उनके चक्कर में मत आओ। सारे कलाकार अच्छे हैं, शाहरुख अच्छा है, सलमान अच्छा है, फिर गोविंदा अच्छे है, कंगना जी अच्छे, सारे ही अच्छे हैं। लेकिन ऐसा कुछ करो कि लोगों के दिल में तुम छाते रहो, लोगों के दिमागों में तुम छाते रहो। की चोट पर कहना चाहता हूं, यह वही टीवी 9 चैनल है जिसकी वजह से पूना में लेके जाते जाने की जो कोशिश हो रही थी, जहां मेरा इनकाउंटर हो सकता था, ये टीवी 9 चैनल को भी मैं बहुत बहुत उसके बारे में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मेरी जेल वारी हुई थी, जेल यात्रा हुई थी, सचमुच एक माध्यम भी साथ होता है तो इनकाउंटर करने से, उस समय की जो सरकार थी उद्धव की, उस सरकार से जो मुझे जो अंदेशा था, वो मैं यही कहता हूं कि मुझे जो है ये सारे चीज जो है अच्छे लोगों से मिलने का एक लाभ होता है। देखिए बिश्नोई समाज बहुत अच्छा समाज है, हम सारे समाजों की रिस्पेक्ट करते हैं, और सलमान एक कलाकार भी है, और हम यही कहेंगे कि सलमान ने भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर कलाकारों को भी जरूरत होती है। हम यही कहेंगे कि साधु संत है, साधु संतों से बात होनी चाहिए। हम यही कहते हैं कि जो संत महात्माओं से बात होने पर जो बिश्नोई समाज है, या बिश्नोई समाज के लिए काम करने वाले श्री बिश्नोई जी है या कोई भी है, वो भी इस बात को खुल के समझ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि डर 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 इसका सोल्यूशन नहीं है, और रक्षा सुरक्षा ये प्रभु श्री रामचंद्र की लीला है। तो प्रभु श्री रामचंद्र के विचारों पर जो चलेगा, उसे ही संविधान का बेसिक प्रिंसिपल कहा है। जो संविधान जिसने सही मामले में पढ़ा है, तो भारत के संविधान में प्रभु श्री रामचंद्र के विचारों की भी साक्षात रूप है। तो मैं ये कहूंगा सलमान जी से भी, अगर हमारी जरूरत अच्छे कार्य के लिए हो, बिश्नोई समाज से बात करने के लिए हो, श्री बिश्नोई जी समाज जो है वो बहुत अच्छा समाज है, जब अगर पुकारेंगे तो जरूर जाएंगे, और सचमुच मध्यस्थता से बढ़िया देश के संस्कृति में और कुछ नहीं है। चीजें खुल के आती है, समझ के आती है, बातों से ही बात बनती है।